हे गाइस, वेलकम बैक टू माय केरला सीरीज व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने अंधेरे में मैं कहाँ चला। तो मैं जा रहा हूँ अपनी लाइफ का अब तक का बेस्ट सनराइज देखने, जिसके लिए मैं सुबह 5:30 बजे अपने होटल से निकल पड़ा। लगभग 25 मिनट का सफर करने के बाद हम पहुँच जाते हैं मुन्नार के ब्यूटीफुल सनराइज पॉइंट पर। फिर शुरू होता है एपिक व्यू का इंतजार। तो आज के दिन की शुरुआत हुई इस एपिक सनराइज से। अब बारी आती है जीप ऑफ रोडिंग की। आप भी यहाँ पर आकर ऑफ रोडिंग जीप बुक करवा सकते हैं, जिसके अंदर वो आपको 4 से 5 लोकेशन घुमाते हैं और आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 3,000 रुपीज। बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं और कोशिश करना कि आप एक दिन पहले बुकिंग करवा लें, ताकि आप मॉर्निंग सनराइज मिस ना कर पाए। मुन्नार केरला का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, तो सुबह आपको यहाँ पर ठंड का एहसास भी होगा। सनराइज पॉइंट से थोड़ा दूर चलने पर हम पहुंच जाते हैं पॉनमोरी डैम, और इस जगह को इको पॉइंट भी कहा जाता है। एज पर जीप ड्राइवर, उन्होंने बताया कि शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के कुछ सीन्स यहां पर फिल्माए गए थे। पॉनमोरी डैम मुन्नार टाउन से अराउंड 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इस डैम की खास बात है कि यह एक लेस क्राउडेड लोकेशन है, जहाँ आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द पॉनमोरी डैम। अब हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं पॉनमोरी डैम के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल डैम। ये नीचे का नज़ारा अभी तो खाली है, पानी कम है, बिल्कुल बहुत ही कम है। शायद बारिश के टाइम पे भर जाता होगा। इस सामने आपको दिख रही होगी, ये केरला की हाईएस्ट पीक है अनाई मोदी। दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। यहाँ से आपको देख भी पा रहे होगे, और यहाँ पर ब्यूटीफुल सनराइज जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। जस्ट इस साइड तो पानी नहीं है, यहाँ पर शायद गेट्स बंद किए हुए हैं इस वजह से। और इस साइड काफ़ी पानी है, यहाँ पर देखिए इस साइड पानी जमा है काफ़ी। उस साइड बंद किए हुए हैं गेट्स, इस वजह से पानी कम है। जब यहाँ पर भर जाता होगा तो गेट्स को ओपन कर दिया जाता होगा, इसीलिए डैम्स बनाए जाते हैं टू कंट्रोल द वाटर फ्लो। और अब हम डैम से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं वहाँ पे भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है उस साइड का डैम के नीचे का। ये देखो यार, यहाँ पे कितने अच्छे पेड़ पौधे यार, ग्रीनरी, मतलब केरला इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी यार, देख पा रहे हो गए। ये डैम का दूसरा हिस्सा है, देखिए एक हिस्सा बंद किया है, जो दूसरी साइड है तो काफ़ी टाइम से जैसे पानी छोड़ा नहीं है, या पानी का फ्लो जो है इतना बड़ा नहीं है कि उसे रिलीज़ किया जाए, उस वजह से यहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन उग गई है। ये डैम पेनियार रिवर के ऊपर बनाया गया है। पेनियार रिवर एक ट्रिब्यूटरी है पेरियार रिवर की, एंड द लेंथ ऑफ द डैम इज अराउंड 294 मीटर्स। तो जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हैंगिंग ब्रिज, और ये उसी डैम की जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है। तो मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से।
अभी नीचे ड्राई है, मैंने बताया था एक साइड पानी है, क्योंकि ड्राई वाले एरिया में आप देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं। तो ये सारे रॉक्स हैं और ये पानी की फोर्स से देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं। हे गाइस, तो अब हम जाने वाले हैं रिपल वाटरफॉल, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। भी आपको दिखाता हूँ, रिपल वाटरफॉल एक छोटा वाटरफॉल है, लेकिन किसी भी दूसरे वाटरफॉल की तरह काफी ब्यूटीफुल और आकर्षक है। यहाँ पर आपको 20 रुपीज पर पर्सन टिकट लेनी पड़ती है इस वाटरफॉल को देखने के लिए। यहाँ पर जिपलाइन एक्टिविटी भी होती है और जिसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। मानसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस वाटरफॉल। इस रिपल वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ी देर पानी का मज़ा लेंगे हम। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है यार, आप भी आना रिपल वाटरफॉल, और गंदगी ना फैलाना यार। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में, तो आप भी अपना सपोर्ट इस वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन पीस।